जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था त्रिभुज, पुनः आज हम त्रिभुज का भाग दो पढ़ेंगे। बच्चों आइए अब एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया है और दिया गया है ए बी भुजा डी सी के समानांतर है। हमें सिद्ध करना है ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी। इसमें चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर है डी सी के, तब ट्राइंगल ए बी सी तथा ए डी सी लेने पर, यहाँ पर चतुर्भुज में से ए बी सी ए डी सी लिया है। यहाँ पर देखिए ए बी समानांतर है डी सी के, तब यह कोण के बराबर होगा, जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं। सी ए बी बराबर है कोण ए सी डी के, ए सी डी के। आगे देखते हैं, यहाँ पर दो रेखाएं ट्रांसवर्सल कट हो रही हैं बिंदु ओ पर, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार कह सकते हैं इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी देन द बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। इस प्रकार एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। यदि यह दोनों एंगल इक्वल हैं, तब दिए गए त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी डबल ए सिमिलैरिटी के अनुसार समरूप होंगे। समरूपता की परिभाषा के अनुसार अब हम कह सकते हैं ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी। इस प्रकार यह सिद्ध हो रहा है। बच्चों आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। सी ई से 90 डिग्री पर ए बी पर लंब खींचा गया है दिया गया है, तथा ए बिंदु से डी बिंदु तक लंब खींचा गया है जो कि बी सी पर है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी तथा सी डी पी, सी डी पी सर्वांग सम है, सिमिलर है। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 90 डिग्री है, अतः यह कोण भी 90 डिग्री होगा। तब हम कह सकते हैं ए ई पी 90 डिग्री है त्रिभुज ए ई पी में। उसी प्रकार त्रिभुज सी डी पी में सी डी पी कोण 90 डिग्री है। इस प्रकार कह सकते हैं ए ई पी इक्वल टू सी डी पी, यह दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है। इसे प्रथम इक्वेशन दे दीजिए। अब यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं सी ई तथा ए डी, जो पी बिंदु पर त्रियक रूप में ट्रांसवर्सल रूप में कट कर रही हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि ए पी ई एंगल ए पी ई एंगल सी पी डी के बराबर है, क्योंकि यह एकांतर कोण है, वर्टिकली अपोजिट कोण है। इस प्रकार यहाँ पर डबल ए सिमिलैरिटी रूल लग रहा है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी सिमिलर है त्रिभुज सी डी पी के। बच्चों इसी प्रश्न में हमें यह सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है त्रिभुज सी बी ई के। यहाँ पर ए डी बी डी 90 डिग्री है, यह कोण 90 डिग्री है, तब यह कोण भी 90 डिग्री होगा। और सी ई बी में यह कोण 90 डिग्री दिया गया है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी 90 डिग्री है, तथा त्रिभुज सी बी ई में कोण सी ई बी 90 डिग्री है। इस प्रकार कह सकते हैं कोण ए डी बी समान है कोण सी ई बी के। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए। बच्चों इन दोनों ही त्रिभुजों में बी कोण कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इस प्रकार कोण ए बी डी तथा सी बी ई कॉमन है, उभयनिष्ठ है। द्वितीय समीकरण दे दीजिए, कोण कोण ए ए सिमिलैरिटी
समरूपता नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। आइए बच्चों, इसी प्रश्न में भाग AEP सिमिलर है ADB के। AEP बना लीजिए इसी त्रिभुज में से तथा ADB बना लीजिए। AEP का मान 90 डिग्री है तथा कोण ADB का मान 90 डिग्री है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोण AEP तथा कोण AD इस प्रकार कह सकते हैं कोण AEP तथा कोण ADB का मान 90 डिग्री है। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए। यहाँ पर कोण A तथा कोण A समान है, कॉमन है। इसे बोलेंगे कोण PAE तथा कोण DAB का मान समान है, उभयनिष्ठ है। द्वितीय समीकरण दे दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण से AA सिमिलैरिटी समरूपता नियम अनुसार हम यह कह सकते हैं कि दिए हुए त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB समान है, समरूप हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि PDC तथा BEC समरूप हैं। PDC दिया गया है कि यह कोण 90 डिग्री है। इसी प्रकार से BEC जिसमें हमें यह दिया गया है कि यह कोण 90 डिग्री है। दोनों ही त्रिभुजों में कोण PDC तथा कोण PDC 90 डिग्री है। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए, राइट एंगल है। तथा कोण PCD तथा BCE कॉमन है। यहाँ पर कोण C उभयनिष्ठ है। द्वितीय समीकरण दे दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण के अनुसार कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण समरूपता नियम लग रहा है और दिए गए दोनों त्रिभुज PDC तथा BEC समरूप है। बच्चों, यहाँ पर हमें यह चित्र दिया गया है जिसमें ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, जिसका अर्थ होता है AD भुजा तथा BC भुजा एक दूसरे के समानांतर है व AB भुजा व DC भुजा एक दूसरे के समानांतर है। यह दिया गया है। इसके आमने सामने के कोण भी समान होंगे क्योंकि यह पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE तथा BCF एक दूसरे के समरूप हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें दो रेखाएं दी गई हैं जो एक दूसरे के समानांतर है। तब BE भुजा जो कि ट्रांसवर्सल रेखा है वो इन दोनों रेखाओं के मध्य से जा रही है। इस प्रकार कोण E तथा कोण B एकांतर कोण हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। यह दोनों कोण समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण AEB इक्वल है कोण EBC के। यहाँ पर AEB इक्वल टू EBC लिखा है तथा EBC EBC का मान FBC के इक्वल है। अतः हम कोण EBC के स्थान पर कोण FBC लिख सकते हैं। दोनों एक ही कोण को बता रहे हैं। इसे दे दीजिए प्रथम समीकरण, कोण AEB इक्वल टू कोण FBC प्रथम समीकरण। अब ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार आमने सामने के कोण समान होंगे, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण BAE तथा कोण BCF दोनों समान होंगे। इसे द्वितीय समीकरण दे दीजिए। यह दोनों समीकरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर AA समरूपता नियम लग रहा है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE तथा CFB दोनों समरूप हैं। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, ABC तथा PQR, जिसमें AD भुजा तथा PM भुजा मध्यिका हैं। मध्यिका का अर्थ है कि D बिंदु BC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तथा M बिंदु QR का मध्य बिंदु है।
इस प्रकार कह सकते हैं कि BD का मान BC के आधे के बराबर है तथा QM का मान QR के आधे के बराबर है। यह दिया गया है कि भुजा AB डिवाइड बाय PQ का मान BC डिवाइड बाय QR के मान बराबर है तथा भुजा AD का मान तथा PM के मान के रेशियो के बराबर है। यह हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें AD डिवाइड बाय PM दिया गया है। इस वजह से हम यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं, ADB तथा PMQ। ADB तथा PMQ लेने पर यह चीज़ हमें दी गई है कि BD का मान BC के हाफ के बराबर है तथा QM का मान QR के हाफ के बराबर है, क्योंकि यह दोनों मिड पॉइंट हैं। बच्चों, यहाँ पर BC के स्थान पर हम रख सकते हैं, ट्वाइस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा 2BD। BC के स्थान पर हम यहाँ रख सकते हैं 2BD। उसी तरीके से यहाँ QR गिवन है, QR के स्थान पर हम रख सकते हैं, ट्वाइस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा QR इक्वल टू 2 इंटू QM। QR इक्वल टू 2 इंटू QM। QR का मान यहाँ रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा तब हमें यह रेशियो प्राप्त होगा, AB डिवाइड बाय PQ इक्वल टू BD डिवाइड बाय QM इक्वल टू AD डिवाइड बाय PM। बच्चों, यह तीनों अनुपातिक प्रमेय अनुसार हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर SSS सिमिलैरिटी समरूपता नियम लग रहा है, जिस वजह से त्रिभुज ABD तथा PMQ दोनों ही समरूप हैं। आइए अब अगली चीज़ देखते हैं, जिसमें हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC तथा PQR भी समरूप है। यहाँ हम ले रहे हैं ABC तथा PQR। बच्चों, दिए गए रेशियो में AB डिवाइड बाय PQ दिया गया है तथा BC डिवाइड बाय QR भी दिया गया है। अनुपातिक प्रमेय के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि यदि यह रेशियो बराबर है तब इनके कोण भी समान होंगे। एक बार पुनः देखते हैं, भुजा AB तथा PQ का अनुपात बराबर है भुजा BC तथा भुजा QR के अनुपात के, तब इनके मध्य में पड़ने वाला जो कोण है वह भी समान होगा। इस प्रकार इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कोण B तथा कोण Q समान हैं। अब यहाँ पर SAS दो भुजाएं समान हैं तथा एक कोण समान है, SAS सिमिलैरिटी रूल लग रहा है। समरूपता नियम अनुसार कह सकते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। बच्चों, आइए अब एक अनुप्रयोग देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि PQ एक मीनार है, बिल्डिंग है, तथा TR एक पोल है जिसकी शेडो आगे की तरफ पड़ रही है, बिंदु S तक जा रही है, और दिया गया है पोल तथा शेडो के मध्य की दूरी 4 मीटर है, बिल्डिंग की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है तथा पोल की ऊंचाई दी गई है 6 मीटर। बच्चों, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज TRS तथा त्रिभुज PQS। यहाँ पर हम प्रमेय लगाएंगे, अनुपातिक प्रमेय अनुसार कह सकते हैं कि भुजा PQ तथा TR का अनुपात समान होगा QS तथा SR के अनुपात के। मान रखने पर PQ का मान H ले लेते हैं तथा TR का मान 6 रख दीजिए, जो कि दिया गया है, QS का मान 28, RS का मान 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 28 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 होगा। यहाँ पर हमने 2 से भाग दिया है, 2 से भाग देने पर हमें नीचे 1 मिल रहा है तथा ऊपर 14 इंटू 3 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार गुणा करने पर हमें 42 मीटर प्राप्त हो रहा है। दिए गए बिल्डिंग की मीनार की ऊंचाई 42 मीटर प्राप्त हो रही है। यह एक अनुप्रयोग है अनुपातिक प्रमेय का। बच्चों,
आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है। सबसे पहले हम इस प्रश्न में लंब डालेंगे। ए बिंदु से बी सी पर एक लंब डाल रहे हैं जिसका मान हम एम दे रहे हैं। उसी प्रकार डी बिंदु से बी सी पर हम एक लंब डाल रहे हैं जिस बिंदु का नाम हम एन दे रहे हैं। यहाँ पर यह लंब डाला गया है। इस प्रकार यहाँ हमने दो त्रिभुज लिए हैं, ए एम ओ तथा डी एन ओ। यह दोनों त्रिभुज लेने पर देखिए, यहाँ पर कोण एम तथा कोण एन 90 डिग्री है। कोण ए एम ओ का मान कोण डी एन ओ के बराबर होगा जिसका मान 90 डिग्री है। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए। बच्चों, यदि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक रूप में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तब आमने सामने के कोण समान होते हैं। यहाँ पर आपको ए डी भुजा तथा बी सी भुजा दिख रही है जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार यह कोण तथा यह कोण, यह कोण तथा यह कोण समान होंगे। यहाँ पर हमने ए एम ओ तथा डी एन ओ लिया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए ओ एम तथा कोण डी ओ एन अल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण हैं। ए ओ एम तथा डी ओ एम समान होंगे, इसे द्वितीय समीकरण दे दीजिए। दोनों त्रिभुज में दो कोण समान हैं जिस आधार पर हम ए समरूपता नियम लगाएंगे और कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसे तृतीय समीकरण दे दीजिए। अब हम एक सूत्र यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने क्षेत्रफल यूज़ किया है। बच्चों, यहाँ हमने दो त्रिभुज लिए हैं ए बी सी तथा डी बी सी। यह दोनों त्रिभुजों का अनुपात समान होगा 1/2 ऑफ बी सी इंटू ए एम, बी सी इंटू ए एम तथा 1/2 ऑफ बी सी इंटू डी एन, बी सी इंटू डी एन। बच्चों, 1/2 बी सी बी सी कैंसिल होगा तब हमें प्राप्त होगा ए एम बाय डी एन। इस प्रकार क्षेत्रफल ए बी सी डिवाइड बाय क्षेत्रफल डी बी सी का मान ए एम बाय डी एन ज्ञात हो रहा है। तृतीय समीकरण अनुसार हम कह सकते हैं कि ए एम तथा डी एन भुजा का अनुपात ए ओ तथा डी ओ भुजा के बराबर है। यहाँ मान रखने पर हम ए ओ डिवाइड बाय डी ओ लिख सकते हैं ए एम डिवाइड बाय डी एन के स्थान पर, जिसके आधार पर यह सिद्ध हो रहा है कि क्षेत्रफल ए बी सी डिवाइड बाय क्षेत्रफल डी बी सी का मान भुजा ए ओ तथा डी ओ के अनुपात के समान है। बच्चों, आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी अनुप्रयोग पर आधारित है। यहाँ पर हमें एक ए बी सी डी वर्ग दिया गया है जिसमें भुजा ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान तथा डी ए का मान समान है। भुजा ए बी पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज खींचा गया है जिसमें तीनों भुजाओं का मान समान होता है। ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू ए पी। इसी प्रकार विकर्ण डी बी पर एक और त्रिभुज बनाया गया है जो कि पुनः इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर दो त्रिभुज समबाहु हैं, ए बी पी तथा डी बी क्यू। इस प्रकार देख सकते हैं कि ए बी साइड बी सी के बराबर है, बी सी डी सी के, डी सी ए डी के तथा ए डी ए पी के व ए पी बी पी के। साथ ही साथ साइड डी बी जो कि विकर्ण है का मान डी क्यू तथा बी क्यू के समान है। सूत्र का उपयोग करने पर दिए गए त्रिभुज ए बी पी जो कि एक समबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल ए बी स्क्वायर इंटू रूट 3/4 प्राप्त हो रहा है, इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज डी बी क्यू का भी मान ज्ञात करेंगे। डी बी क्यू का मान है डी बी का स्क्वायर इंटू रूट 3/4, इसे द्वितीय समीकरण दे दीजिए। बच्चों, प्रथम तथा द्वितीय समीकरण को डिवाइड करने पर त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज डी बी क्यू के क्षेत्रफल का मान ज्ञात होगा। यहाँ पर रूट 3/4 तथा रूट 3/4 कैंसिल हो जाएगा।
पुनः हम एक और सूत्र का उपयोग करेंगे जिसमें हम सभी को पता है कि किसी भी वर्ग में डायगोनल अर्थात विकर्ण का मान उस वर्ग के एक भुजा तथा रूट टू के गुणनफल के समान होता है। इस प्रकार डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट टू इंटू एनी वन साइड। सो राइट नाउ dv का मान जो कि डायगोनल है होगा रूट टू इंटू एनी साइड। यहाँ पर हम ए बी साइड का उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार डी बी स्क्वायर की जगह हमने रखा है रूट टू इंटू ए बी का होल स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर करने पर हमें टू प्राप्त होगा तथा ए बी का स्क्वायर करने पर हमें ए बी प्राप्त होगा। ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमें वन बाई टू प्राप्त होगा। बच्चों यहाँ पर डी बी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है जो कि डी बी विकर्ण पर बनाया गया है। यदि हम डी बी विकर्ण के स्थान पर ए सी विकर्ण पर यह त्रिभुज बनाएं तभी भी हमें यही त्रिभुज प्राप्त होगा क्योंकि डी बी भुजा ए सी भुजा के समान है। यहाँ पर एक वर्ग में दो विकर्ण होंगे और दोनों विकर्णों का मान समान होगा। इस प्रकार एरिया ऑफ डी बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी क्यू। डी बी क्यू के स्थान पर ए सी क्यू भी रख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। मध्य बिंदु की यह परिभाषा होती है कि बी ई का मान बी सी के हाफ के बराबर होगा तथा ए एफ का मान ए सी के हाफ के बराबर होगा। ए डी का मान ए बी के हाफ के बराबर होगा। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं चतुर्भुज डी एफ ई बी एक पैरेललोग्राम है तथा चतुर्भुज डी एफ ई सी भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। पुनः यहाँ हमने दो चित्र और बनाए हैं। प्रथम चित्र ए बी सी का है तथा द्वितीय चित्र डी एफ ई का है। यहाँ पर कोण ए तथा कोण ई का मान समान है क्योंकि यह दोनों कोण सम्मुख कोण हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोण बी ए सी का मान कोण डी ई एफ के समान है, सम्मुख कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पर कोण बी ए सी तथा कोण डी एफ सी समान है, इसे द्वितीय समीकरण दे दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण से हम ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। यहाँ पर ए ए समरूपता का नियम लगेगा दोनों कोण समान होने पर। एरिया का सूत्र लगाएंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी जिसका मान हमें ज्ञात करना है इक्वल टू उनकी साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। डी ई एफ इक्वल टू डी एफ स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर। डी एफ के स्थान पर बी सी का हाफ लिख सकते हैं क्योंकि डी तथा एफ बिंदु मिड पॉइंट हैं और यह ए बी तथा ए सी भुजा को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। स्क्वायर करने पर बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें 1/4 का अनुपात ज्ञात होगा। बच्चों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है। ए सी स्क्वायर को ट्वाइस में ऐड करने पर ए सी का मान बी सी रखने पर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्राप्त होगा। रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम यह कह सकते हैं कि यदि यह कथन सत्य है तब दिया गया त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। बच्चों इस प्रश्न में हमें ए बी सी दिया गया है जो कि समबाहु त्रिभुज है और हमें एल्टीट्यूड अर्थात शीर्ष लंब ज्ञात करना है। लंब खींचने पर पी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर मान रखने पर बी सी का मान 2a है, 2 कैंसिल होगा और बी पी का मान a ज्ञात होगा। त्रिभुज ए बी पी में समकोण त्रिभुज है तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मान रखने पर ए पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4a स्क्वायर होगा, यहाँ a स्क्वायर 4a² माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने पर हमें a इंटू रूट 3 मान ज्ञात होगा। बच्चों
आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों, आइए अब प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न गृह कार्य के लिए लिखिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।